खरगोन की खबर देखते हैं। खरगोन में ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम के 3 प्रत्याशी जीते हैं। 7 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। 2 महिला प्रत्याशी जीतकर आई है, ओबीसी की पार्टी है। 3 प्रत्याशी जीत, अरुणा उपाध्याय की जीत हुई है वार्ड नंबर 2 से। और खरगोन में चलिए बिल्कुल मनोज, हमारे साथ अरुणा उपाध्याय खुद जुड़ गई हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, सबसे बड़ी खबर इसलिए है ये कि एआईएमआईएम की वो बहुसंख्यक और ब्राह्मण उम्मीदवार हैं। और थोड़ी देर पहले जब जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे एआईएमआईएम के खरगोन से, तो उन्होंने यही दावा किया था कि आप सोचते जरूर हैं कि ये अल्पसंख्यकों की पार्टी है या ब्राह्मण बता रहे हैं, मैं ऐसी क्यों। अच्छा जी जी जी, चलिए कोई बात नहीं। ये सारे समीकरण, असल में कुछ नाम पढ़कर मुझे ये बात हुई, बहुत बधाई आपको पहले तो अरुणा जी। और किस तरह से आपको बहुसंख्यक वर्ग की प्रत्याशी होने के नाते आपको किस तरह से पहले तो आपके चयन का प्रतिमान क्या बना, और क्या आप भी चौंकी थी कि जब एआईएमआईएम ने आपको चुना प्रत्याशी के तौर पर, तो कैसा लगा आपको कि क्या मैं सफल हो पाऊंगी, मुझे क्या खरगोन के लोग स्वीकार करेंगे, क्या कहेंगी इस पर जी? सर क्यों नहीं मुझे स्वीकार करेंगे, जरूर करेंगे। अगर जनता कुछ नया चाहती है तो उन्होंने मुझे स्वीकारा भी और मुझे जिताया भी। हाँ हाँ हाँ, आप जिस वार्ड से जीती हैं क्या वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? जी। अच्छा, और क्या आपकी ओवैसी साहब से भी फोन पर बात हुई थी जब आपका टिकट फाइनल हुआ था कि एक हिंदू प्रत्याशी को टिकट मिल रहा है? जी हाँ जरूर, उन्होंने ही मुझे इस लायक समझा कि मुझे उन्होंने टिकट दिया, और मैं ओवैसी साहब का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं वार्ड 2 में पार्षद बन सकूं। और वार्ड 2 के सभी जनता से भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। जी, आगे आपकी क्या सोच रही, ओवैसी साहब से जब बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? ओवैसी साहब ने यही बोला कि आप हमारी पार्टी में आओ और आगे बढ़ो और जनता की सेवा करो। जी 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 जी, तो आपके मन में कहीं कोई झिझक नहीं थी कि एआईएमआईएम? जी, एआईएमआईएम की छवि, अरुणा जी, एआईएमआईएम की छवि एक, माफ कीजिएगा, आरोप लगता है, मैं नहीं कहता कितनी सच्चाई है उसमें, कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि सांप्रदायिक चरित्र की पार्टी है, कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि वो एक दल को फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में होती है, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आपके मन में दुविधा नहीं हुई कोई? नहीं सर, ये तो गलत है कि ये तो जाति प्रथा पे एक तरह से लड़ाने वाली बात हो जाती है। जी हाँ जी हाँ, बट वो तो संविधान और समानता की बातें करते हैं ना। जी 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 जी, अब आ, 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 आप जिस हाँ, जिस हाँ हाँ जी हाँ जी, बोलिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर मैं अगले सवाल पर आऊंगा। जी, ये सर कि समानता और संविधान की बातें करते हैं और सब एक मिल के रहो, उसी में फायदा है सर, ना वो देश छोड़ के जा सकते हैं ना हम देश छोड़ के जा सकते हैं। वाह वाह वाह, आपने तो बड़ी लाजवाब बात कह दी अरुणा जी। मुझे ये बताइए कि वार्ड नंबर 2 में अल्पसंख्यक मतदाता कितने हैं, बहुसंख्यक, इसको जाति से जुड़े प्रश्न के तौर पे मत देखिएगा, ये हमारी उत्सुकता है। जी सर, अल्पसंख्यक तो कम से कम 1600 के 800-900 होंगे। और बहुसंख्यक हिंदू मतदाता कितने हैं? वो भी समथिंग इतने ही होंगे सर। वाह, तो 50-50% दोनों का सहयोग आपको मिल गया और आप जीती, कितने मतों से जीती हैं? सर ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि मुझे दोनों साइड से प्यार मिला है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आपने हराया किसको है? सर बीजेपी। अच्छा, कितने मतों से जीती हैं आप? 31। अच्छा, केवल 31 मतों से जीत हुई है आपकी? जी जी, बहुत बहुत नजदीकी मुकाबला रहा। जी सर। अच्छा, अब आगे विकास का आपका क्या क्या नजरिया रहेगा, कैसे? मैं जब वहाँ पर प्रचार के लिए जाती थी तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि कुछ भी काम हुआ है, जैसे पानी के लिए महिलाएं बहुत, मतलब बहुत बहुत दूर दूर से पानी लाती है, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा।
और सड़कें तो बिल्कुल भी ना के बराबर बनी हुई है, वहां पर जो रोड वगैरह है गटरे भी ऐसे भरी हुई है जिससे बार बार आए दिन बीमारियां होती रहती है। मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीजें खत्म हो और कुछ नया लाए, जो किसी ने नहीं किया वो मैं करना चाहती हूँ सर। क्या बात है अरुणा जी, क्या बात है, बहुत सुंदर बात आपने कही। क्या ओवैसी साहब भी आएंगे खरगोन, ऐसा कुछ उन्होंने आपसे कहा है कि वो भी आएंगे कभी खरगोन? अभी ये कुछ निश्चित नहीं हुआ है क्योंकि आज तो हमारी बात ही नहीं हो पाई है। हम तो ऐसी दुआ कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आए खरगोन में। चलिए बस आखिरी सवाल मेरा ये है, खरगोन जिस तरह से बीते कुछ महीनों पहले जिस दुर्भाग्यपूर्ण विवाद की चपेट में आया था, उसने खरगोन की छवि को भी बहुत नुकसान पहुंचाया और हम सबको भी बहुत चिंता हुई जो चाहते हैं कि अमन पसंद नागरिक के तौर पर शांति से अपना जीवन बिताएं। तो आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि खरगोन शांत रहे, आगे बढ़े। जी सर, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि हम सब भाई एक साथ रहे, जैसे पहले रहते थे वैसे अभी भी रहे। जी जी। और सर मैं इसमें आई हूँ तो वो तो एक यही है ना कि मैं मतलब एक हिंदू होकर आई हूँ ना, तो मैं तो यही चाहती हूँ ना कि हिंदू मुस्लिम सब एक ही रहे, बिल्कुल एक आपने थाली में बैठकर खाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या मध्य प्रदेश में आपकी जानकारी में है कि AIMIM ने और जगह भी हिंदू प्रत्याशी खड़े किए थे? शायद खंडवा से थे, लेकिन जीतने वाली एकमात्र प्रत्याशी हिंदू आप ही हैं AIMIM से। जी हाँ जी हाँ, देखिए ना मुझे इतना प्यार दिया सबने, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी मैं खरगोन वालों का। और ओवैसी साहब ने भी मुझे इस लायक समझा कि मैं सबकी सेवा कर सकूं, वार्ड नंबर 2 के जनता की। बिल्कुल अच्छा अरुणा जी, आपने बहुत विनम्रता से और बहुत शालीनता से आपने बात की है जो आपके भीतर के मन के सच्चेपन की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल सही है, लोकतंत्र में सबका स्वागत है, AIMIM का भी स्वागत है, इस्तकबाल है उसका भी, लेकिन हम सब संविधान की गरिमा मर्यादा, सामाजिक मूल्य उनकी मर्यादा और मनुष्यता को मानवता को ध्यान में रखकर काम करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आपकी बातें हमें उसी तरफ इशारा कर रही हैं कि आप उनको लेकर आगे बढ़ेंगी। हम कभी खरगोन आएंगे तो जरूर आपसे बात करेंगे और आपके जिला अध्यक्ष से भी बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं अरुणा जी आपको। देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए मनोज, व्यूअर्स भी देख रहे होंगे इसको कि किस तरह से, आप देखिए कि AIMIM से एक हिंदू प्रत्याशी जीतती हैं और किस तरह से उन्होंने सादगी से और सरलता से अपनी बात कही है। जी